जय माता दी, हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जहाँ हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे और आप सब हर वक्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। तो देखिए, मेरी पूजा हो चुकी है आज तो। चलिए मैं दर्शन करा देती हूँ। अभी दीपक मेरा चाली जला हुआ है, देखिए धूप भी चल रही है, दीपक भी जला हुआ है और प्रसाद भी, भोग प्रसाद भी रखा हुआ है। तो ये देखिए, और अब मैं दिखा देती हूँ आपको नोकदे अपने। ये देखिए, हमारी जोत बत्ती जली हुई है और ये देखिए मेरे नोकदे जो हैं, मेरी खेतरी उगने लगी है। देखिए, जैसे कि मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, ये देखिए मेरी खेतरी आ गई है माता रानी के आशीर्वाद से। मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी धीरे धीरे। और एक बात, ये देखिए आम पत्र मेरे बिल्कुल जैसे मैंने लगाए थे एकदम वैसे ही हैं। तीसरा दिन आज शुरू हो गया है, बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे और बिल्कुल ऐसे ही ये 9 दिन तक रहेंगे, सूखेंगे नहीं। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है जो कि मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरह से अगर आप कलश में अपने, वैसे मैंने पिछली वीडियो में, मेरे वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, उसमें मैंने बता रखा है कि अगर इस तरह से आप कलश स्थापना करेंगे तो आपके आम पत्र नहीं सूखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आप चाहें तो जाकर मेरे चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। और कुछ इस तरह से मैंने आज लड्डू बाबू का, लाड्डी का श्रृंगार किया है। ये देखिए, रेड ड्रेस में मैंने तैयार किया है आज, थोड़ा रेड लुक दिया है उन्हें कुछ ऐसा। ये देखिए, आज मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है। ये धुआं आ रहा है, पूजा की है तो इस वजह से थोड़ा सा। ये मैंने लड्डू बाबू का, लाडली का इस तरह का लुक आज है। तो आज माँ चंद्र घंटा की पूजा है तो उसमें रेड कलर पहना थे तो मैंने पहना दिए। वैसे मैं ये चीज़ नहीं कर पाती हूँ। देखिए, अगर आपकी क्षमता है तो आप चाहें तो दिनों के हिसाब से ड्रेस आप पहना सकते हैं एक्सचेंज कर करके। और अगर नहीं है तो देखिए, प्रभु को क्या चाहिए, आपके मन में जो है दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमारे पास तो ये है, हम तो ये आपके लिए कर सकते हैं। भगवान कब सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, उन्हें ये नहीं चाहिए कि आप मेरे को रोज ऐसे कलर पहनाओ वैसे कलर पहनाओ। जो हम कर सकते हैं अपने मन से, आप उनको ये अर्पित कर दीजिए कि आज इसको यही कलर मान के आप पहन लीजिए, हमारी तरफ से यही है बस। तो वो उसी में खुश हो जाएंगे। जितना आप कर सकते हैं अपनी तरफ से उतना कीजिए ना। तो चलिए, और मैं दर्शन करा देती हूँ माता रानी के भी आज भी आपको। तो ये हमारे नारियल हैं जिस पर मैंने गुड़हल का फूल लगाया हुआ है और मैं रोज़ ही कुमकुम का तिलक लगाती हूँ नारियल पे भी, और मतलब आम पत्र पे भी, कलश पे भी और खेतरी में भी, सभी को तिलक करती हूँ, रोज ही मैं तिलक करती हूँ। तो ये देखिए हमारे कश्यप महाराज, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, और आज भी मैंने भोग में केला दिया है, भोग प्रसाद में माता रानी को पंचमेवा रखा हुआ है उनका भोग प्रसाद। और ये देखिए हमारी माता रानी को, ये देखिए आप जी, हाँ मैं रखती हूँ श्री दुर्गा सप्तशती को, तो यहीं पर रखती हूँ मैं। दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ, उनका पाठ भी करती हूँ जो कि मैं कर चुकी हूँ। और आज मैं इस वीडियो में एक विशेष बात और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि आप लोग कुछ तो, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ जो नहीं जानते होंगे उनके लिए। ये सुहाग का सामान आपको जैसे कि मैंने बताया था रखा ही हुआ है, ये उनका जल रखा हुआ माता रानी का। अब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी, वो है ये सामग्री। तो सामग्री के बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी एक देने वाली हूँ। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सामग्री का पैकेट ले आए रेडीमेड और उसी से हमने हवाएं शुरू कर दिया है ना। तो आप लोग ऐसा ना करें, अगर हो सके तो सामग्री का पैकेट तो आप लाइए लाइए। और कुछ लोग तो घर पे, मैं तो जैसे कि ज़्यादातर घर पे बना लेती हूँ, लेकिन इस बार मैं पैकेट ही लाई सामग्री का। ये देखिए आप, तो मैं पैकेट ले आई सामग्री का, लेकिन उसमें जो है मैंने कुछ चीज़ें
मिलाई, जिससे कि हमारी सामग्री आप देख ही सकते हैं पूरे घर में खुशबू फैली हुई है। तो इसमें क्या करें, देखिए चावल आते हैं व्रत वाले, वो चावल मिलाएं, थोड़े से अन्न भी होना चाहिए ना इसमें। और ये मैंने बतासे मिलाए हुए हैं, इसमें काले तिल इसमें मैंने मिलाए हैं, गूगल और एक वो आती हैं लकड़ी आती है नवग्रह लकड़ी, तो वो लाएं उन्हें कूट कर उन्हें भी इसमें मिला लें। तो सबसे ज़रूरी होता है नवग्रह लकड़ी, थोड़ा सा चंदन, ये सब चीज़ इसमें आप मिला लें। और उसके बाद आप देखिए, और थोड़ी लौंग भी इसमें डाल लें, तो तब उसके बाद आप लोग पूजा कीजिए और फिर उस हवन सामग्री की खुशबू आप देखिएगा एक कैसी होती है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ, चलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और एक बार फिर से दर्शन के लिए कर लीजिए आप लोग हमारे मंदिर के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।